काफी स्टाइल मार रहा स्टाइल रजनीकांत। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज हम जा रहे हैं शादी में अविनाश की। बस से जाएंगे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन और फिर हैदराबाद पहुँच जाएंगे कल सुबह। तो बस में चढ़ने लगे हैं और इस ट्रिप को करते हैं एंजॉय। बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ के कल्चर के हिसाब से शादी वादी हो रही है। ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये यहाँ पर हैं सिटीज़ में, दिल्ली विल्ली में ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, तो यहाँ का मज़ा अलग है। चलो मेरे साथ। ये अविनाश के मामा है सतीश जी, ठीक है जी। और ये अविनाश का ब्रदर अभिनव। आइए ये सर, काफी एक्साइटेड लग रहे हो हैं। एक्साइटेड लग रहे हो या डर लग रहा है? हमें बोल नहीं सकता। अब अपनी चीजें, अपनी जो सोच है वो तो कम होती जाएगी भाई शादी के बाद, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी सर। हैं ये शरद। हेलो हेलो। और ये तेजा। हेलो। तेजा को आती है तेलुगू और इंग्लिश, और मुझे आती है हिंदी, और मेरी इंग्लिश तो है बहुत ख़राब, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, जैसे तैसे एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। शरद को आती है इंग्लिश, तो हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि शरद समझते हैं, क्योंकि शरद जॉब करते हैं हैदराबाद में, है ना। शरद और तेजा दोनों ब्रदर्स हैं और ये कज़न है अविनाश। जय बजरंग। आप मुझे शुभकामनाएं दीजिए। थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है। क्यों स्लिप हो रहा है? आई कांट एक्सप्लेन बट बिकॉज़ इट इज स्लिपिंग। हाउ मेनी लैंग्वेजेस नॉट इन आवर हैंड्स। अच्छा है। हाय, दिस इज सतीश फ्रॉम श्रीकाकुलम। वी आर गोइंग टू वाइजर ड्यू टू आवर मेरा क्या कहते हैं, मर्चिपोना इंग्लिश मर्चिपोना नाम सतीश है। मैं श्रीकाकुलम से वैजा जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भांजा का शादी है और ये शादी हैदराबाद में हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नौजवान हूँ और यूथ हूँ। मैं भी तो ये भी यूथ है और मैं दोनों यूथ है। और ये सोच रहा हूँ, ये मेरा अंकल 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 ये मेरा अंकुल है। ये मेरा ऐसा सोच रहा हूँ, ये मेरा अंकुल है। इसका बेटी मैं शादी कर लिया, इसका बेटी बहुत परेशान कर रहा है और तो ये भी परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ इसको अभी अगले स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगा इसमें, ठीक है। और ठीक है। और ये रोजा है, ये रोजा का कोड रूपियल के साथ आपको लैंग्वेज बैरियर यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ही हम समझ पाते हैं किसी को। अभी लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम बहुत है, पर हंसते ही रहते हैं जब समझ नहीं आती। तो हाँ ठीक है ठीक है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदी ठीक है ना। हिंदी ठीक है। और क्या है, और क्या है, आप कैसे रहते हैं? ये बस में चल रहे हैं ना, आप बस में चल रहे हैं, आप कैसे, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। पहले और अभी अविनाश के बारे में कुछ बताओ आप। अविनाश के बारे में आप बताओगे, मैं क्या बताऊँ? मैं तो बताऊँगा। हाँ ठीक है। ये मेरा भाईजान है, मेरे प्यारे बच्चे है, ये तो भी बहुत अलग बच्चा है। ये सारे हिंदुस्तान में ये जैसी लड़का नहीं पहुँचेगा, हम नहीं मिलते हैं। हाँ नहीं मिलते। और ये बहुत शानदार आदमी है और बहुत शरीफ है और बहुत सुंदर है। क्या है, और ईमानदार ईमानदार बहुत ईमानदार है और मुझको बहुत अच्छा है। मेरा मैं बहुत खुश हूँ ये शादी में जाकर, यहाँ जाकर। और आज बहुत मुझको अनफॉर्गेटेबल डे। ये किनारा नागावली किनारा है ना, उसको वीडियो करना है। ये है अविनाश की मम्मी। सबको नमस्ते, बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी मुबारक है, मेरा बेटा का शादी हो रहा है। शादी के लिए हम जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद की बेटी से
शादी हो रही है, मेरी बहू हैदराबाद में रहती है और शादी है अक्टूबर 28 को, और आप सभी भी आइए, आशीर्वाद दे दीजिए। ये अच्छी बात है, आंटी को हिंदी अच्छी आती है। और ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है, और ये बहुत ही अच्छा है। मेरे अविनाश जी का तो ये पूरा शरीर का आधा भाग है, आधा भाग है शरीर का पूरा, ये दोनों पूरा जो आके और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सबका, मतलब सभी साथ में बस में एंजॉय करके जा रहे हैं। इस जर्नी बहुत ही अच्छा है और सभी स्वस्थ रहिए, सबका स्वस्थ रहने से हम सब एंजॉय कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं खुशी से क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा का शादी में तो एक बार आंसू भी आ जाती है, ज्यादा खुशी होते हैं। काम भी बहुत सारे रहते हैं। ये जिंदगी में लाइफ का टास्क है बच्चों को बड़ा करना और परवरिश करना, ये लाइफ का एक टास्क है, और शादी तो और भी बड़ा टास्क है। और मेरा बहुत ही अच्छा लगा, इस जीवन का मेरा सफल हो गया। मैं खुशी से सर क्या बात करती हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी और ये सभी मेरा साथ है, लेकिन मेरा ये भी बहुत अच्छा लड़का मिला। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और आप सब मेरा बहू बेटा का ब्लेसिंग दीजिए, वो जिंदगी भर अच्छा कपल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे जिंदगी भर, एक दो जन का सफ़र करेंगे, लाइफ का जर्नी करेंगे, मेड फॉर ईच अदर, अविनाश एंड माधवी। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर टू ऑल। तो अब हम पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। ये सफ़र है 700 किलोमीटर का और इस सफ़र में लगेंगे हमें 12 घंटे। शाम को 5:30 बजे चल के सुबह ट्रेन पहुंच जाएगी 5:30 बजे सिकंदराबाद जंक्शन पे, जो है हैदराबाद में। 1,080 रुपये की टिकट हमने ली है, 3 AC की, मैंने नहीं ली, ये अविनाश ने ली है। तो तभी मैं आराम से बैठा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। काफ़ी सारी हमारी सीट्स हैं, 22-23 सीट्स हैं, जिनमें से 2-4 कैंसिलेशन हो गई हैं, उसके अलावा भी हमारे पास 3-4 सीटें एक्स्ट्रा बच जाएंगी, तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं। तो सफ़र को करते हैं इन्जॉय, देखते हैं हमारे लोग बैठे कहाँ हैं और वो कर क्या रहे हैं। अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, लुक हु इज़ हियर, मिस्टर अविनाश राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं इनको बता रहा था सर कि टिकट आपने ली है, तो तभी मैं आराम से ऐश कर रहा हूँ। आप मेरी अगर फर्स्ट AC की करा देते ना, सिर्फ मेरी, तो दिल खुश हो जाता। सर की बस चले ना, ये तो बोलेंगे कि हवाई जहाज में भेज दें, पुष्पक विमान में भेज दें। तो ये कौन सा होता है? शादी के बाद भगवान ही बचा सकता है। क्यों भाई? सही है। नहीं ठीक है सर, 3rd AC है, AC में जाएंगे आराम से और इन्जॉय करेंगे ट्रिप को। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो सर, थैंक यू टू फॉर कमिंग। तो ट्रेन चल चुकी है स्टेशन से एग्जैक्ट 5:20 पर। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बढ़िया है, चल चुकी है। और सर कैसी है ट्रेन? तो बढ़िया लगी रही है ना ट्रेन? तो काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, साफ सुथरी ट्रेन है। जैसे हम चढ़े, अभी तो कोरोना के चक्कर में कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लैंकेट्स पिलोज, बट अदरवाइज ट्रेन काफ़ी साफ सुथरा है। और बाकी भी देखते हैं अभी इसमें सर्विस वगैरह कैसे होगा, देखते हैं, अपने बताते हैं आपको। और सफ़र में हमारे साथ बने रहो भाई, सफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है। पता कुछ पता चलना था कि चिप चिप
चाहिए लेके ऑर्डर तो ट्रेन पहुंची हमारी राजा मुंडरी स्टेशन है। खाना वाना हमने खा लिया है, डिनर कर लिया है। हमारे बंदे अंदर अभी डिनर कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप पड़ा ही है, ये बैठे हैं सब, डिनर हो रहा है। काफ़ी बड़ा स्टेशन पड़ा और यहाँ के स्टेशन सारे साफ सुथरे हैं, है ना। ऐसे नहीं जैसे सही बताऊँ नॉर्थ साइड में दिल्ली वाली में स्टेशन साफ वाफ होते नहीं हैं, यहाँ पर सारे साफ हैं। और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद स्टेशन पर। ट्रेन 50 मिनट लेट है, सामान वामान इसमें डाल रहे हैं अपना। सिकंदराबाद स्टेशन है ना, तो ये ट्रेन वो जो जिसमें हम उतरे हैं वो तो वहीं खाली नहीं होनी थी, आगे चली गई वो ना हैदराबाद चले जाती है। हैदराबाद चली जाती है क्योंकि इधर बीच में है। तो तो विनाश और दो तीन लोग गाड़ी पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं बस पर, ठीक है जी। तो अब हम आ गए हैं रूम में और बहुत बढ़िया रूम है ये। होटल का नाम है सितारा ग्रैंड होटल, जिसमें बैंक्वेट हॉल, रूम्स, रेस्टोरेंट, बार सब कुछ है। और हम यहीं रुकेंगे, शादी भी यहीं पर ही है। और अभी हम जा रहे हैं एंगेजमेंट सेरेमनी में, समझ लो 2 घंटे में हम चले जाएंगे, 10 बजे तक हम यहाँ से 10:30 तक निकल जाएंगे और एंगेजमेंट सेरेमनी को कवर करेंगे। कल है शादी, शाम को हम वापस आएंगे, यहीं रुकेंगे, इंजॉय करेंगे और कल सुबह सुबह शादी का समारोह है, ठीक है जी। और बने रहो मेरे साथ, करो एंजॉय अविनाश की शादी को। अच्छा लास्ट में बन खाएगा, मैं नहीं खा रहा। भाइयों के साथ ठीक।
यहाँ पर भी एक चंद्र है, चंद्र दादा नाश्ता कर दिए। हाँ जी दाल मांग सकते जो कर మాధవి కూడా ఇప్పుడే పరిగెట్టండి ఇంటికి. माधवी का नानी माँ नानी माँ अविनाश भरत बोल के सर पहचान लिया भरत बोल रही है माँ रेंडो बाबू माधवी दोस्त వచ్చారు ఫోటోగ్రాఫర్కి వస్తే పాడండి నీళ్ళు ఎవరు వస్తే పాడండి అవుతారు అక్క నువ్వు పాడక్క కాదంట చాలా టైం పడుకునే तो इस टाइम हम माधवी के घर पर हैं, जो सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली है, सब वेट कर रहे हैं माधवी के आने का। उसके बाद हो जाएगी सेरेमनी स्टार्ट। 11:30 का टाइम है, अभी 15 मिनट बचे हुए हैं। शरद हेलो हेलो ఎవరమ్మా ఎవరు ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం గణానా నారాయణాయ స్వాహా మాధవాయ స్వాహా నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః తస్మై దేవాయ బ్రహ్మణస్పతి యోగ్నేరాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వాగ్నేరాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి లుక్ ఈచ్ అదర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఫేస్ టు ఫేస్ అరే ఫేస్ టు ఫేస్ చూసుకొని కదా అది చూడు మా చాటు ఫేస్ టు ఫేస్ అప్ప మన ముక్కు చాటు అంటే అరే నాగరా చూడండి ఇద్దరు ఆపోజిట్ చూసుకోండి ఆపోజిట్ లుక్ ఆపోజిట్ రే రే అది జస్ట్ జస్ట్ సైడ్ గా కొంచెం చూసుకోండి ఒకసారి కొంచెం సర్ కొంచెం దగ్గర రావు దగ్గర దగ్గర కొంచెం దగ్గర రావు పర్లేదు చూడండి సరిగ్గా చూడండి ీర్తిం ప్రజాం దదో సర్వా వేద విధి బ్రాహ్మణే సన్నా శ్రీలంకీర్తయేతా దేవతా ప్రీణాది హరియానందరాజా ప్రసాద్
అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు అక్కడ కూర్చోండి. శ్రీదేవి పట్నాయక్, రజిత్ కుమార్ గారు, శ్రీమతి శ్రీదేవి పట్నాయక్ గారి ఏకైక పుత్రిక చిరంజీవి లక్ష్మీ కుంకుమ సౌభాగ్యవతి మాధవి అను కన్యను, శ్రీమతి ఇప్పలవలస స్వర్ణలక్ష్మి గారు, శ్రీమతి శ్రీమాన్ శ్రీ తీర్థశేషులు రమేష్ కుమార్ గారు దంపతుల ప్రథమ పుత్రుడు చిరంజీవి అవినాష్ రామ్ అను వరుణులకు ఇచ్చేసి వివాహం జరిపించుటకు వేదముద్ర వంటి బ్రాహ్మణుల చేత సుముహూర్తం నిర్వహించున్నారు. కావున తామిళ్ళు కూడా విచ్చేసి బంధుమిత్ర పరివారముగా సమేతముగా విచ్చేసి నూతన వధువులను ఆశీర్వదించి మదర్పద చందన తాంబూలాలను స్వీకరించి మమ్మ ఆనందదేవి ప్రార్థన. కళ్యాణ వేదిక, హోటల్ సితారా గ్రాండ్, శ్రీనివాస థియేటర్ దగ్గర, అశోక్ నగర్, బిహెచ్ఎఫ్, హైదరాబాద్. దిల్ కో తుమ్సే ప్యార్ పర్లేదమ్మా, మనందరం ఒకటే కదా. పెట్టు పెట్టు పర్లేదు పెట్టు, వాడు పెడతాడు అరే పెట్టరాను పెట్టు పెట్టు పర్లేదు. तो एंगेजमेंट हो गई है, कंग्रेचुलेशंस टू सर एंड माधवी. थैंक यू. शादी है बाकी, कल सुबह है शादी. और शादी देखोगे आप नेक्स्ट वीडियो में. और मिलते हैं आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.